कभी लोटस और लिली को कंपेयर कर सकते हैं हम? अगर कोई 5 साल में सक्सेसफुल हो गया है, हो सकता है कोई ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गया, हो सकता है कोई 10 साल मेहनत कर रहा है बट फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो इफ़ यू थिंक कि यार सामने वाले, मैं भी तो सिंगर हूँ, वो भी तो सिंगर है, बट उसको तो 1 मिलियन व्यूज़ मिल गए, मैंने तो 10,000 नहीं क्रॉस कर पा रहे, या फिर यार वो पेंटर कितना सही है, उसकी तो पेंटिंग बिक गई 5 लाख रुपए में और मैंने तो इतने दिन से लिस्ट कर रखी है, मेरी तो नहीं बिक रही. या सेम गोज़ फॉर द ऑथर, सेम गोज़ फॉर एवरीवन, यू नो, एवरी सिंगल पर्सन. मैं भी तो डेटा एनालिस्ट हूँ, उसका इतना पैकेज हो गया, मेरा इतना पैकेज नहीं हुआ. वो तो इंजीनियर है, उसको तो फलानी कंपनी से ऑफर मिल गया, मुझे तो नहीं मिला. उसके तो इतने अच्छे मार्क्स आए, वो तो सोचो गेम्स खेल रहा था फिर भी इतने अच्छे मार्क्स आए, मैंने तो गेम्स भी नहीं खेला, दिन रात पढ़ाई करी फिर भी मैंने मार्क्स नहीं स्कोर करे. सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, सबका अपना टैलेंट होता है, सबकी अपना हार्डवर्क है और सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, सबकी अपनी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, सबके अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं. सो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. सपोज आप अपनी जर्नी को किसी सेम प्रोफाइल वाले इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हो. से यू आर अ सिंगर, दैट पर्सन इज अ सिंगर, एंड यू आर फीलिंग बैड कि उसकी तो बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, हमारी नहीं हो रही. सो टेल मी वन थिंग कि रोज भी फ्लावर है, लोटस भी फ्लावर है, लिली भी फ्लावर है, हिबिस्किस भी फ्लावर है. कभी लोटस और लिली को कंपेयर कर सकते हैं हम? क्योंकि वो दोनों फ्लावर्स हैं, सो यू कैन नॉट कंपेयर दैट, राइट? क्योंकि दोनों की ब्यूटी अलग है, दोनों की स्पेशलिटी अलग है. इवन इफ दे आर फ्लावर्स, इवन इफ दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, दे आर डिफरेंट, दे आर यूनिक, दे आर स्पेशल इन देयर ओन वेज. एंड दिस इज माई पॉइंट हियर. आप भले ही सेम कैटेगरी के हो, आप भले ही सेम क्लास में हो, आप भले ही सेम जॉब प्रोफाइल में हो, सेम आर्टिस्ट हो, वट एवर, बट स्टिल आपकी जर्नी डिफरेंट है, दूसरे की जर्नी डिफरेंट है. यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स. और पता है, तभी इंसान अपने काम पे ज़्यादा फोकस दे पाता है, तभी इंसान अपने गोल्स पे फोकस करके और ज़्यादा हार्डवर्क करता है, क्योंकि आपका अपना कॉम्पिटिटर आप खुद हो. ट्राइंग टू कॉपी समवन, डोंट डू दैट. उसने क्या करा, आप 24 घंटे उसके साथ में नहीं हो. वो कैसे पढ़ाई करता है, या वो कैसे प्रिपेयर करता है, या वो क्या प्रैक्टिस करता है, यू डोंट नो. यू कैन जस्ट सी द आउटकम. So don't do that. Why are you wasting your time and putting energy in something like this? Instead, आप अपनी सारी energy अपने काम पे, अपने talent को enhance करने में लगाओ. And you just focus on yourself, your talent and your goals, you know, because your journey is different and their journey is different. I really hope I made my point here. क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को बताना कि यार मत कंपेयर करो. आप लोग इससे बेटर है कि आप अपने ऊपर खुद से फोकस करो. आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो. आप 4 साल पहले क्या थे, आप आज क्या हो, आप उससे कंपेयर करो. दैट इज ऑल्सो बेटर, बट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स. आई रियली होप यू फाउंड दिस यूजफुल एंड आई रियली होप यू लाइक द वीडियो. इफ सो प्लीज़ गिव मी अ लाइक सो दैट मुझे पता चले कि आपको पसंद आया. एंड आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस. एंड येस, अगर आपको कुछ कहना है, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट करो. नए हो तो सब्सक्राइब करो. एंड आई विल टॉक बैक सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.